नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के पास है और जिस प्रकार से 23 तारीख की तिथि नज़दीक आ रही है, वार और प्रतिकार लगातार चल रहा है राजद की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। अब राजधानी पटना में पोस्टर वार शुरू हो गया है। जी हाँ, देखिए, कल ये पोस्टर आपको हमने दिखाया था, अखिलेश यादव का, तेजस्वी यादव का, जिसमें 23 जून को आदरणीय अखिलेश यादव जी की बुद्ध की धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन का जो था, और इसमें अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां मरी हरी भक्त कहाई, कोई देवता चित्त न धरई, बीजेपी मुक्त भारत, बेरोजगारी, दंगाई और महंगाई। आज एक नया पोस्टर और आरजेडी के पास लग गया है, आप देखिए इसको। इसमें पाटलिपुत्र की धरती पर महागठबंधन के आने वाले तमाम नेताओं का राजद परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागतम। तो लगातार बीच में, तो आपने देखा कल से जो है लगातार पोस्टर वार चल रहा है। और आपको अगला जो हम फोटो दिखाएंगे वो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास बीजेपी के नेताओं ने जो पोस्टर लगाया है, आइए आपको वो फोटो भी दिखाते हैं। आइए, तो देखिए पोस्टर का जवाब, पोस्टर से बीजेपी कार्यालय के सामने लगा हुआ है 2024 का रन। भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन, जनता के दिलों से गठबंधन, वेरीफाइड महागठबंधन वर्सेज सेटिस्फाइड जनसेवक। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से 23 तारीख नज़दीक आ रहा है, 23 तारीख को जिस प्रकार से पूरे पटना में विपक्षी दलों के नेताओं का जुटान है, उसे लेकर के महागठबंधन के नेता पूरे जोशों खरोशों से तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि इस महागठबंधन के जो नेताओं का जुटान है वो मतलब का जुटान है, और जिस प्रकार से इनका मतलब निकल जाएगा, महागठबंधन का कहीं कोई औचित्य नहीं रहेगा। दोनों गठबंधन का अपना अपना दावा है, इन दावों में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें भारत लाइव। इन पोस्टर को लगाने वाले राजद के कार्यकर्ता नेता भाई अरुण हमारे साथ हैं। भाई अरुण जी, जी यह पोस्टर लगाने के पीछे क्या वजह है? ये पोस्टर लगाने के पीछे यही है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, और वही हाल है। अभी नरेंद्र मोदी जी तानाशाह हो गए हैं और पूरा जो महागठबंधन है एक जगह यूनाइट होकर करके नरेंद्र मोदी के कुर्सी को चुनौती दे रहे हैं और वो कुर्सी खाली करके उनको जाना पड़ेगा। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से बिल्ली को देख करके कबूतर आँख बंद कर लेता है कि हमको नहीं देख रही है? आप कह रहे हैं महागठबंधन की एकता की बात, अभी मांझी जी निकल गए, 7 दलों का गठबंधन बिहार में नहीं चल पाया, पूरे देश में चल पाएगा? नहीं, मांझी जी जदयू के कोटे से मंत्री थे, सुन लीजिए आप। जब सर 7 दलों का गठबंधन था ना आपका, गठबंधन था, देखिए गठबंधन बीजेपी के भी था जी। वो यहाँ आपको महाराष्ट्र में क्या हुआ जी, और भी तमिलनाडु में भी उनका था, उनका क्या हुआ? तो गठबंधन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन जो ठोस गठबंधन है वो अभी सर हर पूरे देश में, हर गठबंधन टूटने से पहले ठोस रहता है। नहीं, नहीं, टूटने के पहले ठोस नहीं रहता है, और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है कि चुनाव आने के पहले उन्होंने अपना असली चेहरा दिखला दिया और वो किनारा हो गए। ये हम लोग ने उसको बाहर करने का काम नहीं किया, वो अपना निजी महत्वाकांक्षा के कारण बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जुटेंगे भी, ऐसा नहीं है जुटेंगे, लेकिन लेकिन आप नदी पार कर रहे हैं, नाव में आप सवार हो गए जी, जी, और मांझी नाव छोड़ करके भाग गया, कैसे पार लगेगी नैया? मांझी नाव छोड़कर नहीं भाग गए, मांझी जी जो उनका सर नेम है वो सचमुच में मांझी नहीं थे, नैया मांझी प्रश्न चिन्ह हो गया, नैया के मांझी वो नहीं थे, नैया के मांझी तो हमारे लालू जी हैं, मांझी का अब पतवार है नीतीश जी के हाथ में, ये जान लीजिए। तो मतलब तो, मांझी जी हैं और पतवार नीतीश कुमार के हाथ में है, पतवार नीतीश जी और मांझी हमारे इस पूरे
महागठबंधन के हैं लालू प्रसाद। कल जिस प्रकार से नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई, फिर से कहा जा रहा है कि कहीं पुराना इतिहास ना दोहराया जाए। देखिए तबीयत तो किसी का खराब तबीयत किसी की खराब हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री के हर बातों का कोई कारण रहता है। कारण होना ही चाहिए, मुख्यमंत्री एक बहुत बड़े जिम्मेदारी का पद है, अगर वो कुछ भी बोलते हैं कुछ भी करते हैं तो उसका एक अर्थ निकाला जाना चाहिए। लेकिन जो ये जब वो बोल दिए, जब वो खुलकर बोल दिए कि इस कारण मैं नहीं जा पाया, और उन्होंने सरकारी चार्टर्ड प्लेन तेजस्वी जी को उपलब्ध करा कर रखे, याद होगा सर, कोई बात नहीं करके आप लोग को कहे थे कि पब्लिक डोमेन में बात रखिए और अपने राजगीर चले गए। हाँ तो कहे थे ना पब्लिक डोमेन में बात रखिए, तो अगर उन्होंने कह के गए तेजस्वी को कि जा करके वहाँ बात करिए, और तेजस्वी जी ने जाके बात करके आने का काम किया चेन्नई में। जी क्या लग रहा है 23 तारीख को, मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये कि 23 तारीख को महागठबंधन के तमाम जो देश भर के नेता हैं, विपक्षी नेता जो हैं, उनका जुटान हो रहा है, इसका क्या कुछ असर होगा आगे देश की राजनीति पर? देश की राजनीति पर बहुत व्यापक असर पड़ेगा। ये आप शुरू से देखिए, कांग्रेस जब शुरू में शाही तरीके से जब शासन चला रही थी तो उस समय भी पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था, उसमें बीजेपी भी शामिल थी, और उस समय तानाशाह को हराया गया था। इस समय तानाशाह नरेंद्र मोदी है, और पूरे विपक्ष एक हो गया है, और उसमें कांग्रेस भी है। बीजेपी मुक्त भारत हो जाएगा? बीजेपी तो मुक्त हो रहा है, आपका आने वाला 2 स्टेट का चुनाव है, परिणाम तो 2024 में नजर आएगा। वो 24 में नजर आएगा नहीं, इसमें ही नजर आएगा, जो 2 स्टेट का चुनाव होने वाला है ना, उसमें आपको नजर आ जाएगा। चलिए तो 2 स्टेट में जो चुनाव होने वाले हैं, बिहार 2 स्टेट में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें ही नजर आ जाएगा। लगातार महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि इस बार 2024 में बीजेपी मुक्त भारत करेंगे, और बीजेपी नेताओं का जो दावा है वो तो आप सुनते ही हैं। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।